जब शेर कहने लगता हूँ न जाने कहाँ से आ टपकती है। जा घर जाके खबर लेगा। अमन भैया बस एक मिनट के लिए दरवाजा खोलिए। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो, मगर जरा सुर में बोलो। आपा, वो नहीं आए शबाब। बहुत बेअब्रू होकर तेरे कुचे से हम निकले। तूने जरूर कोई शरारत की होगी। शरारत करने का मौका ही कहां मिला, उन्होंने तो दरवाजा ही नहीं खोला। एक बार फिर कोशिश कर। अब मैं नहीं जाने की, परवाने को तो क्षमा ही ला सकती है। शरीर कहेंगे। कर रखा है, जालिम शेर कहने नहीं देगी, फिर दरवाजा खटखटाया तो हाथ तोड़ दूंगा।
मगर किसी गरीब का दिल न तोड़िएगा। ओ शाम तुम, माफ करना मैं समझा शबाब। शबाब और फिर आए। क्या शायराना बात कही है? शायर का साया जो नसीब है। मैं इस पर शेर ही कह रहा। अच्छा तो मैं अब्बा जान से कह देती हूँ कि आप अभी नहीं आ सकते। नहीं नहीं, उन्होंने याद किया है तो मैं अभी आता हूँ। तुम चलो, मैं आया। शबाब बेटा, तुम अभी तक गई नहीं अमान साहब को बुलाने? जाकर लौट भी आई अब्बा। वो शमा पा, लो वो आ गए। आराम से बड़े मियाँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। शमा जी अब्बा। बेटा अमान साहब के लिए कुछ शरबत लाओ। अभी लाई। और तुम क्या देख रही हो? तुझसे कह रहा हूँ। अरे भाई कुछ पान वान ला खातिर कर। क्यों नहीं अब्बा, अभी अभी अमान साहब ने मेरी बड़ी खातिर की है। आदावत है। बड़े मियाँ शबाब बहुत शरीर हो गई। बैठो बैठो भाई, अब तो इन लड़कियों का ही सहारा है। अमान बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए तकलीफ दी है, शायद तुम नहीं जानते कि दौलत खां धौंस से कव्वाली का मुकाबला हारने के बाद हम बर्बाद हो गए। ना नाम रहा ना पैसा। तकदीर बुरी हो तो इल्म भी धरा रह जाता है, वरना तौबा तौबा, हमारा घराना भी किसी से कम नहीं। अगर कमी है तो सिर्फ नए अंदाज के कलाम की। अगर तुम अपनी दो चार फड़कती हुई चीजें इनायत कर दो तो महफिलों में हम दोबारा अपना रंग जमा सकते हैं। जरूर बड़े मियाँ, लेकिन कल तो मैं रेडियो स्टेशन के बुलावे पर हैदराबाद जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा वहां से कुछ लिखकर भेज दूंगा आपके लिए। तो क्या जल्द लौटने का इरादा नहीं है? कुछ कह नहीं सकता बड़े मियाँ। और फिर यहाँ अपना किसको इंतजार है? न जोरू न जाता, अल्लाह मियाँ से नाता। ऐसा ना कहो बेटा। अब बताएं। लो शरबत की। मुझे तो तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। तुम हैदराबाद से लौटो तो उस धौंस के बच्चे को नीचा दिखाने की तैयारियां करें। मुझे यकीन है तुम्हारे कलाम के सहारे हम गरीब अपनी खोई हुई शोहरत और दौलत फिर से हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बड़े मियाँ, अब इजाजत दीजिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। पहुंचने की इतला तो देना। जी हाँ जरूर। शबाब बेटा, जल्दी से सामान वगैरह ठीक कर। अरे शुभ देखो, वहाँ बैठी है हमें बतावी ले जाए। मैं नहीं जाती, आप तुम जाओ ना। कुछ तो करूँ ना। ओह ओह शबाब, तू कैसे है? आप अभी क्यों आई है? हाँ तू बाहर। हाँ ये गंडा जल्दी से बांध लीजिए। आप पीर साहब से बनवा कर लाए हैं। अच्छा। आपका सफर ठीक गुजरे, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें कामयाबी मिले। और और आपको किसी की नजर न लगे वगैरह 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 वगैरह। अच्छा अच्छा थोड़ा शेखर साहब, अरे तू मौजी ये अमान साहब आए, उनका सामान दिया। अमान साहब आए, बाहर जाओ।
अमान, ये खतना इतना अचानक कैसे आ गए? मुसीबत अचानक ही आया करती है दोस्त। क्या कहते हो मेरी जान, अगर तुम मुसीबत हो तो सर आंखों पर। हाँ अलबत्ता तुम्हारी ये शायरी अपने लिए मुसीबत है। अमान अभी तक तूने इस कमबख्त का पीछा छोड़ा ही नहीं। मैं तो छोड़ दूं मगर ये शायरी अपना पीछा नहीं छोड़ेगी। और मियाँ फिर ये उम्र भर का रोग दो दिन में तो जा सकता नहीं। यार अमान तुम्हारा क्या निशान है? सरकार ये एक ही बक्सा है ना? जी हाँ। मगर सरकार वो तांगे वाला। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया, 2 रुपए की कुर्बानी देकर जरा तांगे वाले को रुख्सत करना है। अरे 2 रुपए की क्या बात कर रहे हो प्यारे, तुम पर तो 2 लाख भी कुर्बान किए जा सकते हैं। मौजी ये तांगे वाले को दियो। मौजी जी ये तांगे वाले को दियो। प्यारे हाँ ये पागलपन छोड़, कब तक तुम बंद बने रहोगे? मेरी तरह कमर पर बन जाओ, 4 पैसे कमाओ और अपना घर बसाओ। भाई अमान वो क्या कहते हैं तुम्हारे शेरों का पुलिंदा है ना, क्या है दीवाना, दीवाना ही कहते हैं ना? दीवाना नहीं प्यारे, दीवान, दीवान। अरे लिखने वाला भी तो दीवाना ही होता है। खैर तुम्हारा दीवान बिका बिकाया भी है या नहीं? दीवान तो नहीं बिका प्यारे, अलबत्ता घर का सामान जरूर बिक गया। सस्ते छोटे प्यारे, वरना तो जालिम मुफलिसी के हाथों लोगों का ईमान बिकते देखा है हमने। इसीलिए तो तुम्हारे रेडियो स्टेशन पर अपना फन बेचने आया हूँ। रेडियो स्टेशन? कल स्टेशन डायरेक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है। वेरी गुड, विश यू ऑल सक्सेस प्यारे। अगर आप मेरी ही फरमाइश जानना चाहते हैं तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप कोई नई नज्म सुनाइए। नई नज्म? वक्त बहुत कम है हुजूर, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। हाँ देखिए हैदराबाद में शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो आपके दिल में उड़ान भर सके। वक्त का ख्याल रखिएगा। जरा वक्त से भी कह दीजिए मेरा ख्याल रखे। अच्छा आदाब है।
आंधी हो या तूफान, तुम इस बदमाश को गिरफ्तार करो। ये पुलिस कमिश्नर मिर्जा बयाजिया खान का हुक्म है। शबनम यहां आओ। तुम भीगी कैसे? रास्ते में कार खराब हो गई थी, बरसात की वजह से टांगा भी नहीं सका। रास्ते में रुक जाती? रुकी तो थी। खैर जाओ, कपड़े बांधो, ठंडी लगी आएगी। जा शुक्र करो मौजी मियां, बखैरियत आ गया, वरना गजब की बिजली थी, चमकी कड़की और गिरी। गिरी कहां गिरी? दीनू लोहार की दुकान पर। अमान क्या बात है, कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? माल का तो प्यारे सवाल ही नहीं था। हाँ, अलबत्ता एक राहगीर बेमौत मारा गया, बहुत बुरा हुआ। खैर कोई बात नहीं, आओ खाना खाते हैं। नहीं शेखर, मेरे तस्वर पर एक हसीन ख्याल छाया हुआ है जिसे मैं नज्म का जामा पहनाना चाहता हूं। अमाल इंडिया रेडियो हैदराबाद से बोल रहे हैं। अभी आप मिर्जा शेख और उनकी पार्टी से कवाली सुन रहे थे। दिल मिला, दिलदार मिला। अब आप मशहूर शायर अमान हैदराबादी की ताजा नज़्म उन्हीं की जबान मुबारक सुनिए। अमान साहब। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी। फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठा दिल में तूफान उठाते हुए। जज्बात की रात जिंदर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो,
मात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी, वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अच्छा तो वो आप थे? जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात एक अनजान हसीन। शांति कहाँ? नहीं नहीं शांति, मैं जरा जल्दी में हूँ, सोचती हूँ पहले से जाकर स्टेज को खूब सजा दूँ, फिर लोगों का आना जाना शुरू हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। इतनी जल्दी से तो आई क्यों? ऐसा तुम्हारे दंग से निकला जा रहा है, मैं इसलिए आई हूँ कि कल से तुम रजिया को रोज पढ़ाने आया करो। कोई मास्टर नहीं मिला क्या? अब्बा जान को तो बहुत से मास्टर मिल जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी शांति पढ़ाए। रजिया के बहाने फिर एक दो घंटे अपनी गपशप हो जाया करेगी। सचमान शांति, तेरे बगैर मुझे एक मिनट भी अच्छा नहीं लगता, ये चाहता 24 घंटे तेरे पास बैठे हूँ किसी से बातें। हाँ मैं अच्छी तरह से जानती तो किसकी बातें करूंगी। किसकी बातें करूंगी मैं? अरे शांति क्या नहीं जानती, मैं नहीं मानती। देख मैं सबके सामने कह दूंगी आजी हम चले। अजी आप क्यों चले? बैठिए ना मेरे पास यहाँ आकर। क्या पकड़ी थी तू इन सबके सामने? इन्हीं अमान साहब के बारे में दिन में 25 दफा तुझे उनका नाम लेती रहती, बरसात की रात की नजम क्या सुन ली, बस सावन की बदली की तरह झूमती ही रहती, समझती बस तेरे ऊपर ही तो लिखी है उन्होंने। नहीं तेरे ऊपर लिखी? अरे मेरे ऊपर शायरी करने वाले की शक्ल ही कुछ और होगी। अरे शब्बू सुना है कि अमान साहब की एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी, नाक कुछ चपटी और मुझे चीजें की दाग भी है। देख मैं तेरी मरम्मत कर दूंगी। हाँ जाने लगे कितना बुरा लगा तुझे? आय हाय कितना लगे। शांति एक थुमना साथ जरूर है उनका, जितनी खूबसूरत शायरी है उनकी उससे भी कहीं ज्यादा। आय हाय तो मरी क्यों जा रही है, अभी जी भर के देख लेना उनको, और अगर फिर भी तबीयत न भरे तो इस दुपट्टे में लपेट के ले आना। लपेटने की क्या जरूरत है, खुद ही लिपटे चले आएंगे। तू नहीं जानती अपने शब्दों को। शांति क्या नहीं जानती? मैं नहीं मानती। आज आपकी नज़्म बरसात की रात कोई दोबारा सुनना चाहती है। क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है? ओह, इनका नाम क्या है? शबनम।
वालिद शोला है, पुलिस कमिश्नर। उनको शायद मैंने पहले कहीं देखा है। कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो, वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। हाय ये फूल सा चेहरा ये घनेरी जुल्फे, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो, मैंने शायद तुम्हें देख कर तुमको किसी रात की याद आती है, एक खामोश मुलाकात की याद आती है, जहन में हुस्न की ठंडक का सर जागता है, आँच देती हुई बरसात की याद आती है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें जिसकी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती है, वही मेरे ख्यालों की परी हो के नहीं, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें। क्या यार शेखर, तुम प्रोग्राम में नहीं आए? खुदा कसम ऐसा रंग जमा के बस पूछो नहीं। यार माफ करना मान, मेरी तो नींद तक हराम हो गई इस पुलिस की नौकरी से। भगवान बचाए चोर डाकू। नहीं शेखर नहीं, मैं तो खुदा से दुआ मांगता हूँ कि मुझको नौकरी दे तो पुलिस की नौकरी दे, चाहे कांस्टेबल ही बना दे। हा? क्या बात है बरखुरदार, ये काया पलट कैसी? कल तक तो कोस रहे थे तुम पुलिस की नौकरी को। कल की गलती का मुझे आज एहसास हो रहा है शेखर। मान गया ना? मान गया शेखर। तो चल, पुलिस में तो नहीं लेकिन पुलिस कमिश्नर की नौकरी दिलवा सकता हूँ। पुलिस कमिश्नर के? हाँ, उनकी लड़की को पढ़ाने के लिए एक मास्टर की जरूरत है। शेखर, शेखर, हाँ, ब्यूटीफुल यू आर। क्या हो गया तुझे? तू अच्छा खासा था। कुछ नहीं दोस्त, पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। कमिश्नर साहब जो भी मुझे देंगे वो मंजूर, और अगर कुछ भी ना देंगे वो भी मंजूर। ये बात तो कल सुबह चलना। सुबह क्यों यार? हाँ जी चलना अभी। इस वक्त तो बच्ची सो रही होगी। बच्ची? हाँ हाँ, उनकी छोटी बच्ची की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है प्यारे, सुबह ही चलेंगे। चाय पी लो। हम्म,
मास्टर? हाँ। ये मास्टर कहाँ से आन टपका? मैं तो शांति से कह चुकी हूँ तुझे पढ़ाने के लिए। वो अभी अभी आती होगी। अम्मी कहाँ है? मेरे रूम में। तू नीचे चल, मैं अभी आई। अम्मी जान, अम्मी जान, क्या है? कुछ सुना आपने? अब्बा जान किसी मर्दुए को रख रहे हैं रजिया को पढ़ाने के लिए। किसमें क्या हुआ? रजिया इतनी शरीर है, वो किसी मास्टर वास्टर से नहीं पढ़ेगी। हाँ, उसे सिर्फ शांति पढ़ा सकती है। अब्बा उस आदमी से बात तय कर रहे हैं, आप उन्हें जल्दी रोकिए। मगर मैं तुम्हारे अब्बा जान को कैसे रोक सकती हूँ? आप नहीं रोक सकती? तब तो मैं रोकती हूँ। अब्बा जान, अब्बा जान, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या बात है सुना? कुछ नहीं अब्बा जान, ये रजिया बड़ी शरीर होती जा रही है। अब ठीक हो जाएगी। आप हैं अमान साहब, शेखर साहब के दोस्त। नमस्ते शेखर भैया। कल से रजिया को आप पढ़ाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत शरीर हो गई है ये। कह दो क्या बात है? कुछ नहीं अब्बा जान, शेखर भैया कल शाम को आप यहाँ खाना खाएंगे। हाँ भाई, कल ही पहली। अमान साहब आप इधर जाइएगा। जी शुक्रिया। हाँ शेखर, चाय बनाओ। हाँ अमन साहब, जो मैं आपसे आज कर रहा था जी, तो शेर और शायरी का तो मुझे कोई खास शौक नहीं है। मैं तो शेर हमेशा मारा। शांति, शांति मेरी, शांति, शांति, वो बात ये है शांति। अरे अरे, इतनी घबराई क्यों? बोलो बिना कुछ। मैं कहाँ घबराई हुई हूँ? वो तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? शेखर भैया है ना, उन्हें ले आए। और अब्बा जान है ना, मैं समझ गई। क्या समझी? शांति क्या नहीं जानती। मैं नहीं मानती। मैंने देख लिया है उनको। रजिया को अब अमान साहब पढ़ाया करेंगे। हाँ शांति, मुझे बहुत अफसोस है सच्ची, तुम्हारी ट्यूशन चली गई। तो घबराती क्यों है मेरी जान? तुझसे मेरी हजार ट्यूशनें कुर्बान। विश यू गुड लक। खुदा हाफिज। पापा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं जी, अमन भैया की कोई खबर नहीं आई ना, इसलिए। शबाब, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अम्मी जाने की लाजी नहीं पानी, रात खराब हो जाएगी। हर बात निराली होती है तेरी। पहले तो कहती थी कि मर्दियों को पढ़ाने के लिए रखेगा, और आप खुश हो रही हो? अम्मी जान, आप नहीं जानती अमान साहब कितने भले आदमी हैं, कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं रजिया को। ठीक कहती है मेरी बेटी। बैठिए अब्बा जान। पहली मुलाकात में उसने दिल मुट्ठी में ले लिया। मैं सच तो यह है कि अमान हजारों में एक है। जी हाँ, आपकी बेटी भी तो लाखों में एक है। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भाई तो पढ़े लिखों की बातें हैं, सब कुछ में थोड़ी आएगी रजिया। यस डैडी। और फिर वो अजनबी थोड़ा ही है, शेखर का जिगरी दोस्त है। अबे मुझसे पूछो तो उसका चेहरा शराब टपकती है। सुन लिया अम्मी जान, तुम्हारी तो भली सुने। पल में तोला पल में माशा, बिहाने लायक हो गए मगर अब तक बचपना नहीं गया। हाँ बेगम, खूब याद आया, जस्टिस नियाज अहमद का खत आया है शबनम के लिए। वो अपने बेटे आफ्ताब वो विलायत से बैरिस्टर के भी आ गए हैं। सच? तो जल्दी से कबूल कर लीजिए, आफ्ताब जैसे लड़का तो चराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये तो है, ये तो है। लीजिए पान खाइए। शुक्रिया। जिद मत करो रजिया, पहले सबक पीछे शेर, इम्तहान सर पर है। आपको इम्तहान की नहीं अपनी फिक्र है। आपको डर है कि मैं कहीं शेर सीख कर आपसे ज्यादा मशहूर हो जाऊं। ओ ये बात है। अच्छा तो सुनो शेर, यार अब कहां फंसा हूं? यार अब कहां फंसा हूं, लड़की है या बला है? लेकिन इस बला ने शायद साहब की करकी को दूर कर दिया। आपका मिश्रा वजन से गिरा हुआ है मतलब। मगर बात शानदार है। रजिया क्या बदतमीजी है रजिया, शागिर्द उस्ताद के मुंह नहीं आया करती। अमान साहब ये पहले से सर चढ़ी है, आप इसके कान खींचा करें। ये तो इन हो रही है ना। कोई नहीं बताएगा जब तक तू बदतमीजी अभी थोड़ी हो रही रजिया, सबक यहाँ से शुरू करो। दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय है,
लिखो लिखो मासी जी। पढ़िए ना। ओ हाँ हाँ हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय है। बहुत अच्छा। पैसिया, आज तुम बहुत चुप चुप से दिखाई देती हो, घर में खैरियत तो है? जी, मगर आपा कल से कुछ परेशान से नजर आती हैं। क्यों, क्या बात है? बात का तो पता नहीं, मैंने पूछा भी था मगर आपा ने टाल दिया। आज मेरे बनने में जी नहीं लगता मौसा जी, जब आपा उदास होती है तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। आज मेरा भी जी नहीं करता पढ़ाने को। मौसा जी, आपा मुझे तो कुछ नहीं बताएंगी, आप ही उनसे पूछिए ना। मैं? हाँ, वो आपकी इज्जत बहुत करती है। आपा, ओ आपा। क्या है रजिया? शबनम आइए। रजिया कह रही थी कि आप कल से बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं। ए रजिया, अमन साहब के लिए चाय तो ले आओ। जी अच्छा। इस ख्याल से दिल डूबने लगता है कि अगर घर में से किसी ने हम दोनों को, तो इसका अंजाम क्या होगा? तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ ना आया करूं? नहीं नहीं, आपने ऐसा क्यों सोचा? तो फिर मेरा मतलब है, यहाँ मिलते बात करते मेरा दिल धड़कता है। मैं भी यही महसूस करता हूँ शबनम, कि हम दोनों कहीं और क्यों ना मिला करें। मगर कहाँ? जहाँ बिजली गिरी थी। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। अभी शबनम देखो, शबनम भूल न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंतजार ही करता रहूं और तुम ना आओ। सिक्स फोर। हेलो, देखिए वो इंस्पेक्टर शेखर दौरे से वापस आ गए। नहीं आए। शबनम, चाय तैयार है। शुक्रिया बेगम, मुझे आपसे बहुत जरूरी मशवरा करना है। फरमाइए। तशरीफ लाइए बेगम। अमान के बारे में आपकी क्या राय है? क्यों, क्या बात है? मेरे सवाल जवाब दीजिए, कैसे लड़का है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद ही तो उसकी तारीफ कर चुके हैं। मैं आपके राय जानना चाहता हूँ। मेरी राय में भी बुरा नहीं, बेचारा सीधा साधा शरीफ लड़का है। शबनम की राय तो हमें मालूम है और आपकी राय भी मालूम हो गई। हमने फैसला कर लिया है कि कल शाम को अमान साहब को हम इतनी शानदार दावत देंगे जिसे वो जिंदगी भर ना भूल सके, इसलिए आज से इंतजाम शुरू हो जाए। इतने बन समर कर चले कहाँ छेड़ा अमान खान? अबे तू शायरी का गला मत घोर, मैं अपने मूड में जा रहा था और अरे यही तो पूछ रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा है कल? बता कहाँ जा रहा है? दीनू लोहार की दुकान पे जा रहा था। क्या कहा, दीनू लोहार की दुकान पे? सर पे हथौड़े चलवाने? अबे ये चिंगारियों का खेल है, तू क्या जाने। चिंगारी मौजी, ये वर्दी ले आओ। ये आ जाओ। इससे मैं पूछ रही थी। हाँ, वो रखना
शुक्रिया। मैं आ गई। कम से कम यहां तो मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूं। मुझे आने में देर हो गई। हाँ, हम लोग तो दोनों ही जल्दी आ गए। मेरा मतलब है मैं मुझे जल्दी जाना है। क्यों, इतनी क्या जल्दी? मालूम होता है अपा जान को हमारी आंख में चोरी का पता चल गया है। ओह, तब तो मेरा तुम्हारे यहां बिल्कुल बन। बिल्कुल, लेकिन लेकिन तुम तो मुझसे हाथ मिल सकती हो ना? अब्बा जान मेरी शादी कर देने वाले हैं। शादी कर देने वाले हैं? कौन है वो खुशनसीब? तुम। तुम भी बना रही थी। कैसे बनाया? इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। असली इज्जत अभी हुई कहां बरखुदार, वो तो अब होगी। मैं आपके कारगुजारी से इस कदर खुश हूं कि चाहता हूं आपको ऐसा इनाम दूं जिसे आप जिंदगी भर न भूल सके। दहे नसीब। बफूरे जुम्मन कर रहा फसलो, आप तो जरा गौर से देखो, अच्छी तरह पहचान लो, आप बहुत बड़े शायर हैं, अपने फन के उस्ताद हैं। देखो ये हजरत हमारी कोठी में तो क्या, अगर कोठी कहीं आसपास भी नजर आए तो इनके टंग तोड़ दो, समझे? और अगर तुम शेखर के दोस्त ना होते, जाओ बंद कर जाओ। हाँ शबनम कहाँ है? मैं खुद उसे ढूंढ रही थी, खुदा जाने कहाँ चली गई। बुरा ना मानिए, आज आपसे बहुत ज्यादती हुई है। बेगम, आप ही तो कल कह रहे थे कि आपको शबनम की मर्जी मालूम है, और मैं भी अपनी राय दे चुकी थी। मैं तो ये सोच रही थी कि आज आप अमान से रिश्ते की बात करेंगे। बेगम, आपका दिमाग सही है ना? कुछ भी कहिए, जवान लगे कहीं कुछ कर बैठे तो हम क्या कर लेंगे। वैसे तू अपने दिल का राज मुझसे कह चुकी थी, मैं आपसे कहने वाली थी, लेकिन लेकिन बेगम नियाज आलम क्या जवाब देंगे? अरे ये नहीं सोचा तुमने? इसमें उनका कोई कसूर नहीं शबनम, मेरी गरीबी ने मेरा मजाक उड़ाया है। लेकिन इतनी रात के तुम यहां क्यों आई? तुम्हारे साथ भाग जाने शबनम। हाँ मान, अपने उस घर से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। दावत का बहाना करके किसी को बुलाना और इस तरह रुसवा करना,
मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमान मुझे यहाँ से ले चलो, अमान ले चलो। शब्द शरीफ लड़कियां इस तरह नहीं किया। अमान मैं दुनिया क्या, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगे तो मैं जहर खा लूंगी। रो नहीं शब्द, रो नहीं। तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं घर नहीं जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। ये बात तो सुना। यही वो लोहार है जी हुजूर। देनो आया। राम राम सरकार। जी अमान साहब को जानता है? जी हुजूर। वो यहाँ आया करते थे? जी। आज कब आए? जी अभी थोड़ी देर हुई। कहाँ गए? ये मैं कैसे कह सकता हूँ हुजूर। उनके साथ और कौन था? माफ कीजिएगा, मैंने कुछ ख्याल नहीं किया सरकार। तू सच बोल रहा है? जी सरकार जी। चलो शेखर। खैरियत हो। ये देखिए दिनू, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। जो हुक्म सरकार, मैं क्या कह सकता हूँ। आप लोगों के सामने मेरी औकात क्या, फिर भी बेटियां सबकी सांझी होती। मेरी बेटी आपकी और आपकी बेटी मेरी। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ कि इस कमरे में मेरी बेटी है और मेरा दामाद। अब भी आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं। चलो शेखर। सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी का वास्ता दिन रात लोहे से पड़ता है उसका दिल इतना मौन का हो सकता है। मैंने कहा ना बेटा, इंसान वही है जो दो मोहब्बत भरे दिलों को मिलते हुए देखकर खुश हो। मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी थी, वो भी किसी से मोहब्बत करती थी। मैं उसके रास्ते में आया, उसका मिलना जुलना बंद कर दिया। एक दिन वो जहर खाकर अपने जालिम बाप को छोड़कर दुनिया से चल गया। मैं रोज अपने दिल को लोहा समझकर टेकता हूं, लेकिन फिर भी चल। लेकिन आज मुझे ऐसा मालूम होता है कि शायद मैंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। जाओ तुम दोनों जाओ, मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब तुम अपना रास्ता से तलाश करो। खड़े क्या हो, सोच रहे हो अमान? सोच रहा हूं कि जिंदगी गुजारने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सरमाया है, मेरी शायरी, और वो भी अब खुलेआम नहीं बेच सकता। कलाम सुनाना तो एक तरफ, मैं लोगों को अपना नाम तक नहीं बता सकता। मगर इन सब बातों को लेकर तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? फिक्र अपने लिए नहीं शबनम, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। कहीं मैं और मेरी शायरी तुम्हारी तबाही का सबब न बन जाए। अब भी वक्त है शबनम, तुम वापस चली जाओ, उन लोगों के गहा भर जाएंगे। नहीं अमान, मैं जीते जी तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगी। जमाने के हाथ बहुत मजबूत हैं शबनम, वो एक ही झटके में दामन छुड़ा देंगे। हम कब तक खान बहादुर और शेखर की नजरों से बचते फिरेंगे?
उनकी नजरों से डरकर अगर मैं चली भी गई तो अपनी नजरों से गिर जाऊंगी। वक्त सब कुछ मिटा देगा शबनम, सब कुछ भुला देगा। सोचना कि बरसात की रात को देखा हुआ ख्वाब था, बिजली पहुंची और खत्म हो गया। तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो बात है, तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मैं अपनी शबनम की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नहीं अमान, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर किसी ने पहचान लिया तो? अरे कोई नहीं पहचानेगा, मैं अपना नाम बदल कर कलाम सुनाऊंगा। नहीं अमान, मुझे डर लगता है। कुछ नहीं होगा। खुदा तो ये सदमा है, हम खुद अपनी इज्जत के लुटेरे को गिरफ्तार नहीं कर सके। ये तो खैर हुई कि पास पड़ोसियों ने यकीन कर लिया कि वो कमबख्त अपनी खाला के यहां गई हुई है, लेकिन ये बहाना कब तक चलेगा? हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो दिन दूर नहीं जब हम खुद अपनी गोली का निशाना बन बैठेंगे। ऐसा ना कहिए हुजूर, मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक लड़ा दूंगा। जिसने मेरे दोस्त का सर नीचा किया है, आपसे बहुत जल्द हथकड़ियों में देखेंगे। रातें एक शम तमन्ना साथ तो है, कुछ और सहारा हो कि न हो,
हाथों में तुम्हारा हाथ तो है, क्या गम जो अंधेरी है रातें, क्या जानिए कितने दीवाने घर फूंक तमाशा देख चुके, जिस प्यार की दुनिया दुश्मन है उस प्यार में कोई बात तो है, कुछ और सहारा हो कि ना हो, हाथों में तुम्हारा हाथ तो है, क्या गम जो अंधेरी है रातें। ये ऑल इंडिया रेडियो इंदौर है। अभी कमल लखनवी अपनी नजम सुना रहे थे। अब इसके बाद केसर बाई से तुमरी सुनिए। हुजूर, ये कमर लखनवी अमान हैदराबादी है, इसने नाम तो बदल लिया लेकिन आवाज नहीं बदल सका। मैं इसकी आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे भी यही मालूम होता है, वो बदमाश भाई रहना पाए। अभी इंदौर खबर करो। ठीक है हुजूर। हेलो जी। जी हाँ, हैदराबाद से कौन? कमर साहब यहीं खड़े हैं। क्या बात है, हैदराबाद से फोन आया? जी हाँ, डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। आप मिल के आइए, जब तक मैं चेक तैयार कर। बहुत अच्छी बात है। बड़े मियाँ, शबनम ऊपर मेरे कमरे में है? जी नहीं, वो नीचे अपने ही कमरे में। ओ। शबनम, शबनम। क्या हुआ अमन? जल्दी करो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, उन्हें पता चल गया हम लोग यहाँ पर। हाय अन्ना, मगर हम जाएंगे कहाँ? जबलपुर सुधा करके। मैंने तो तुमसे पहले कहा था। मगर क्या किया जाए। शेखर, सुधाकर की तरफ से कोई जवाब आया? जी, मुझे यकीन था कि अमान सुधाकर के यहाँ जरूर गया होगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला, क्योंकि सुधाकर ने लिखा है कि अमान तो क्या मुद्दत से उसका खत तक नहीं आया। मेरा दिल नहीं मानता। जा बेटे, जब सुधाकर अमान का इतना जिगरी दोस्त है तो समझ में नहीं आता कि इस हालत में वो उससे ना मिले। मेरे ख्याल से सुधाकर ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए तुम्हें खबर गलत दी। लेकिन सुधाकर मेरा भी तो इतना दोस्त है जितना अमान का है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। अमान भी तुम्हारा दोस्त था शेखर, तुम नहीं जानते, हर शख्स तुम्हारी तरह साफ और सीधा नहीं हो सकता। मेरी राय है कि तुम जबलपुर खुद जाओ और यकीनन अमान तुम्हें वहीं मिलेगा। हाँ बेटा, जरूर जाओ। जी बेहतर। अरे अमान, आओ भाई आओ। भाई हम तो समझे थे कोई मुवक्किल आ गया है। आज के दिन तो तुम मुझे भी मुवक्किल ही समझ लो। रुक क्यों हूँ, अंदर आओ। नमस्ते भाई, अगर तुम मुवक्किल हो तो इनका नाम शबनम होना चाहिए। आओ, 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 आओ। ओ भाभी नमस्ते। शशि, इन्हें जल्दी से अंदर ले जाओ। चलो भैया। मुझे मालूम है, तुम बैठो। घबराओ नहीं शबनम बहन, तुम्हारे भैया आकर वकील हैं, सब संभाल लेंगे। शशि जरा यहां आओ जल्दी से। अभी क्या बात है? बेहद खतरनाक, तुम्हारे भैया को कानून के रूप से जेर दफा 366 ताजीरा तहन 2 साल कैद बामशक्कत और 1,000 रुपया जुर्माना। मेरे ख्याल से तुम्हें उम्र कैद होनी चाहिए। उम्र कैद? उम्र कैद बेशक। शशि तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो, समझी? समझी। मैं नहीं समझा, तुम काजी के आने ही पे समझोगे। हाँ, तुम्हारा यही इलाज है, शादी। लड़की बालिग है, शादी के बाद कोई तुम्हारी तरफ उंगली नहीं उठा सकेगा, और अगर उठाएगा तो मैं। मेरी दफा तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ तुम्हारे भैया से सूली पर जरूर चढ़वा देंगे। ठीक है ठीक है, मगर देखो भाई।
चटमुन्नी और पट दिया होना चाहिए वरना मामला चौपट हो जाएगा। शशि आई एम सॉरी, देखो शशि तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो, मैं जरा काजी साहब को ले आऊं। अमन तुम जरा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाजार ही से दुल्हा बना के ले आता हूँ। आओ यार शर्मा हो मत। लो भागे काजी को लेकर। अरे मेरे हाथ, तुम ही दरवाजा खोल दो, जाओ ना, जाओ ना। खान बहादुर का ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी सुधाकर से मुझे ये उम्मीद न थी कि वो मुझसे झूठ बोलेगा। अमान कहाँ है? उसने मेरी दोस्ती और खान बहादुर की शराफत का नाजायज फायदा उठाया है, मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। इसमें उनका कोई कसूर नहीं, बल्कि मैं। ये सब बाद में देखा जाएगा, इस वक्त वो है कहाँ? वो तो आज कल की क्लास में उनके साथ दिल्ली गई है। अच्छा, देखता हूँ कब तक छुपा रहेगा। खैर तुम्हें हैदराबाद चलना होगा इसी वक्त, ये खान बहादुर का हुक्म है। तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आओ शबनम। अब क्या होगा? जो भगवान को मंजूर होगा, मगर तुम्हें इसी समय शिखर के साथ चला जाना चाहिए। अगर जरा भी देर हो गई तो मान भाई अपनी मुसीबत में फंस जाएंगे। खुदा ना करे। आप उनसे कह दीजिएगा कि शबनम उनकी है और हमेशा उनकी रहेगी। और हाँ, उनसे कह दीजिएगा कि ईद वाले दिन रात को 8 बजे लोहार की दुकान पर मेरा इंतजार करें। बड़ी हसरत थी औलाद की तुम्हें, इसी औलाद के लिए मन्नतें मांगती फिरती थी। तुम जमीन में क्यों नहीं गड़ गई? खानदान की इज्जत मट्टी मिलाने से पहले तुम्हारे पांव क्यों नहीं टूट गए? घर से बाहर निकलते हुए तुमने अपनी हरकत से हमें हमारी आंखों में जलील कर दिया है। अरे बदनसीब, पत्थर पड़ गए थे तेरी आंखों पर, जब तुम मुझे मेरी नजरों के सामने से। सुनो, अगर आप बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा। शेखर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर होता हूं। बेगम सफर की तैयारी करो, हम आज रात की ट्रेन से लखनऊ जाएंगे। लखनऊ किस लिए? मैं इस नामुराद अक्सर जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहता हूं। उनकी चिट्ठी आ गई है, वो इसी महीने शादी के लिए सोच कर रही हो। तफरी के बहाने लखनऊ चलेंगे और 15-20 दिन में इस बोट को सर से उतार देंगे। वो तो ठीक है, कम से कम ईद तो अपने घर पे मना ले, दो ही दिन तो रह गए हैं ईद। बेगम इस परेशानी में क्या ईद मनेगी? जरा ये तो सोचिए, हमारे इस तरह अचानक चले जाने पर आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे। मुनासिब यही है कि ईद घर पर मना ले। बहुत अच्छा, लेकिन जब तक अपनी लाडली पर निगाह रखना, हम ईद के दूसरे दिन रवाना हो जाएंगे।
तेरे कुछ आस भी है मैं अपने ख्यालों के सदके तू पास नहीं और पास भी है मायूस तो हूँ वादे से तेरे हमने तो खुशी मांगी थी मगर जो तूने दिया अच्छा ही दिया हमने तो खुशी मांगी थी मगर जो तूने दिया अच्छा ही दिया जिस गम को ताल्लुक हो तुझसे वो रास नहीं और रास भी है मैं अपने ख्यालों के सदके तू पास नहीं और पास भी है मायूस तो वादे से तेरे पलकों पे लरजते अशकों में तस्वीर झलकती है तेरी तस्वीर झलकती है तेरी पलकों पे लरजते अशकों में तस्वीर झलकती है तेरी दीदार की प्यासी आँखों को अब प्यास नहीं और प्यास भी है मैं अपने ख्यालों के सदके तू पास नहीं और पास भी है मायूस तो हूँ वादे से तेरे बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात अरे एक अनजान हसीना से मुलाकात मगर फितना साहब ये कलाम तो अमान हैदराबादी साहब का है जी हाँ सर बंदे को फितना फतूराबादी के अलावा अमान हैदराबादी भी तो कहते हैं हजरत जैसे मिर्जा गालिब के दो तखल्लुस थे पहला असद और दूसरा गालिब तो हजरत दूसरा मिसरा अर्ज किया जरा गौर तलब जरा गौर तलब है माफ कीजिएगा दूसरा मिसरा जरा गौर के काबिल है हजरत इरशाद इरशाद अर्ज किया है माफ कीजिएगा जरा भूल सा रहा हूँ आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूँ देखा चांद खान इसको कहते हैं उस्तादी शायर भूल गया मगर कदम दान नहीं भूले माशाल्लाह माशाल्लाह काफी शोहरत है बदला साहब आपकी आपकी तारीफ है सर मेरी तारीफ जी अमान हैदराबाद बहुत खूब बड़ी खुशी हासिल हुई आपके न्याज हासिल करके तो हजरत वाह 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 बहुत खूब इस जूती में तो बहुत सी खूबी है किस कारीगर ने बनाया है इसे कहाँ बनी है हजरत तशरीफ लाइए इसको हाथ में लेने की जरूरत है तशरीफ लाइए तशीफी जी फिलहाल इसे तो आप अपने पाँव में डाल लीजिए बहुत अच्छा लेकिन हजरत आप तशरीफ कहाँ लिए जा रहे हैं लखनऊ जा रहा हूँ पापा लखनऊ लखनऊ तो हम भी जा रहे हैं अच्छा? क्या बात है मिसला साहब अरे भाई चांद खान इत्तफाक से आपका तखल्लुस भी अमानी निकला और इन्होंने मेरी खिदमत अकदस में अर्ज की है कि मैं इन्हें अपना शागिर्द बना लूं जरा माफ कीजिएगा
खुदा ना खास्ता आपके पाँव में कुछ तकलीफ मालूम हो गई। भाई चाम खान, मैंने इनकी अर्ज को कबूल फरमा लिया क्योंकि शायर शायर के दिल को नहीं दुखा सकता। आप इनसे मिलिए, यह है चाम खान कव्वाल, लखनऊ में कव्वाली का जबरदस्त मुकाबला करने के लिए तशरीफ दिए जा रहे हैं। तुम्हारे अब्बा जान के दोस्त हैं। पर हमारे दूल्हा भाई का नाम क्या है? आफताब अहमद। ये ख्याल नहीं कि आप लखनऊ में गरीब खाने पर काम फरमाइएगा क्योंकि शायर शायर के घर नहीं ठहरेगा तो और कहाँ ठहरेगा? ठहरूंगा तो अपने दोस्त के यहाँ। माफ कीजिएगा, कौन दोस्त? मैं तो लखनऊ भर को जानता हूँ। बैरिस्टर आफताब अहमद के। बाबू वो जस्टिस नियाज अहमद के साहबजादे। समझ गया। कॉलेज का जमाना भी क्या जमाना था। सारी सारी रात हॉस्टल में मुशायरा हुआ करता था। वल्ला कॉलेज क्या छोड़े गए, तुम भी छूट गए। अमां ना कोई खत ना कोई पता। वो तो इत्तेफाक से रेडियो पर तुम्हारी बरसात की रात नज़्म सुनने का मौका मिला। तुम्हारी जान की कसम फड़क उठा। अमां कौन थी वो बिजली? छोड़ो भैया, अपने कहो मियां, कब तक ला रहे हो भाभी को? बस आज अपनी भाभी को देख कर ही जाना। क्या मतलब? तुम शादी कर चुके? वही समझो, लड़की आज अपने वालदैन के हमारा लखनऊ पहुंच रही है और शादी भी यहीं होगी। मुबारक हो मियां। मगर भाभी है कैसी? देखा तो नहीं मगर तारीफ सुनकर अंदाजा होता है कि तुम्हारी बरसात की रात की हीरोइन से कुछ कम नहीं होगी। ये नामुमकिन है दोस्त। आफताब अब्बा जान बुला रहे, मैं भी आता हूँ। आधा बजा लाता हूँ। खुश रहो। इतनी पढ़ी लिखी होने पर भी कितनी शर्मिली है मेरी शबनम। क्यों ना हो, आखिर किस खानदान की बेटी। बड़ा मुबारक दिन है, बरसों बाद मुलाकात हुई। तशरीफ रखिए, आइए। कल आपका टेलीग्राम आने पर हम घबराए गए थे। मैं हैरान हूँ कि आपको हैदराबाद की बजाय लखनऊ में शादी करने की क्या सोची। अब आपसे क्या पर्दा है, शबनम की काबिलियत देखकर हर रिश्तेदार की यही ख्वाहिश थी कि रिश्ता उनसे हो। ये बात है। सच पूछिए तो हमें आफताब के सिवा कोई लड़का पसंद ही नहीं था और शबनम भी यही चाहती थी। बस इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दरअसल आजकल लड़के और लड़की की रजामंदी नहायत जरूरी है। शादी मुबारक हो। किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा ख्याल था शबनम। शबनम को भूल जाओ, मुझ पर रहम करो अमन, चले जाओ। फितना साहब, ये सुना है उस बूढ़े मुबारक अली ने शमा और शबाब को खूब तैयार किया है। अजी क्या फरमा रहे हैं हजरत, फितना के तूफानी कलाम से शमा गुल हो जाएगी और शबाब ढल जाएगा। जरूर जरूर। आइए आइए बरखुदार, तशरीफ ये। खैर तो है, चेहरा कुछ उतरा उतरा दिखाई देता है। शायद दोस्त ने कुछ बेरुखी दिखाई। अरे मुन्ना, आजकल के दोस्त होते ही हैं बेवफा दोस्त। दोस्त बेवफा नहीं, तकदीर बेवफा निकली। वाह वाह वाह, क्या गजब का शेर फरमाया है। वाह वाह वाह। अमा हजरत, इसे कहते हैं मोहब्बत का असर। गाड़ी में एक नुक्ता बताया था, चुटकी में दो मिसरे कह गया। शाबाश बरखुरदार नूर चश्म राहत जान, तुम चमकाओगे अपने उस्ताद का नाम। अरे भाई
ऐ जरा तखलिया माफ करना, शायर को सुकून चाहिए। तुम बराबर वाले कमरे में जाकर जरा गाओ बजाओ, इतने में मैं इन्हें 10-20 गजलें लिखवा डालूं। जरूर जरूर। माफ करना, माफ करना भाई। अच्छा जी, तो लिखिए। अरे मुन्ना, ये तो मैं इन्हें यूं ही सुनाने के लिए कह रहा था जी। अगर तुम्हें कुछ खाना कमाना है ना, तो मेरे पार्टनर बन जाओ। फितना साहब, इस वक्त आप कुछ ना कहें तो अच्छा है। हुँ? अपना दिल टूटा हुआ है। अरे भाई, टूटा हुआ दिल ही तो शायर के लिए एक नेमत है। बस झाड़ दो इसी मूड में 10-20 गजलें। तुम फटाफट बोलते जाओ और मैं चटाचट लिखता जाऊं। लो लिखो। शबनम, शबनम बेटा, दवा पी लो। दवा की क्या जरूरत है शबनम, ये तुझे क्या हो गया था? यही चक्कर सा आ गया था मम्मी। बेटी, अब हमारी आबरू तेरे हाथ है। ये लोग पहले से हर बात की छानबीन कर रहे हैं। अगर जरा सा शक हो गया तो हमें कुछ खाकर सो जाना पड़ेगा। मैं आ सकता हूँ? आओ बेटा। अब इनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, उसी वक्त संभल गई थी। बेटा, मैं तेरे लिए दूध बनाकर लाती हूँ। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आज का दिन भी कितना अजीब गुजरा, खुशी के साथ साथ तकलीफ भी हुई। इधर आपका आना, साथ में मेरे जिगरी दोस्त अमान का मुद्दतों के बाद मिलना, उधर उसका कहे बगैर चले जाना और आपकी तबीयत का खराब होना, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कुछ भी कहो, जालिम है गजब का शायर, कहता है तो गले से निकाल कर रख देता है। मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी का सेहरा उसी से लिखवाऊं। आपने उसकी मशहूर नज़्म बरसात की रात तो जरूर सुनी होगी। जी सुनी। फिर तो आप अमान को अच्छी तरह जानती होंगी। क्या हुआ? मालूम होता है आपकी तबीयत फिर नासाज हो रही है। आप आराम फरमाइए। आज की ये मजलिस इस शहर के दो मशहूर सेठ जरीवाला और दरीवाला ने मुकाबले के लिए बिठाई हैं। ये हैं गुलमर्गा के मशहूर व मारूफ मुबारक अली और पार्टी, और ये हैं हैदराबाद के चांद खान साहेब और पार्टी, और हमारी इस मजलिस के जज साहेबान इस शहर की आलिम हस्तियां और शायर हैं। अब मैं मुबारक अली साहब से इल्तजा करता हूं कि वो अपना प्रोग्राम शुरू करें।
देखो अमीन इश्क के, जरा देखो अमीन इश्क के काबिल बना दिया है तुम्हें, ओ अमीन इश्क के काबिल बना दिया है तुम्हें, अमीन हो तो हा हा अमीन हो तो, ओ हो अमीन हो तो, अमीन हो तो नजारों का हाल क्या होगा, नजारों का हाल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अमीन हो तो, अपने चेहरे से पर्दा,
भला से तू देख मेरी जान इसी मतवाली अदा से तू देख मेरी जान मेरी जान देख मेरी जान मेरी जान देख मेरी जान इसी मतवाली अदा से उठा पर्दा दिखा जलवा गिरा बिजली मिला नजरे उठा पर्दा दिखा जलवा गिरा बिजली मिला नजरे मुकाबला है मुकाबला है मुकाबला है मुकाबला है मुकाबला है तो फिर देर क्या है तीर चला तू ये न सोच के आहा तू ये न सोच के तू ये न सोच के न सोच तू ये न सोच के यारों का हाल क्या होगा यारों का हाल क्या होगा क्या होगा हाल क्या होगा यारों का हाल क्या होगा यारों का हाल क्या होगा यारों का हाल क्या होगा तू ये ना सोच के यारों का हाल क्या होगा तू ये ना सोच के ठहरिए ठहरिए साहिबान इस मुकाबले में टक्कर बराबर की रही हमारे जज साहिबान के फैसले के मुताबिक मुबारक अली खान व पार्टी अच्छे सुरताल के होते हुए भी मुकाबले में ना जीत सकी हम चांद खान साहेब और उनकी पार्टी को मुबारकबाद देते हैं मुझे ख्वाब में भी ख्याल नहीं था कि हम ये मुकाबला हार जाएंगे अजी मैंने कहा किबला आप इतना दिल छोटा क्यों कर रहे हैं बिल्कुल मुतमइन रहें और बेटा तुम क्यों इस कदर घबरा गई हो अरे मेरे पास अभी दो कारखाने और दो कारखाने और मौजूद हैं मैं इसी हफ्ते फिर उनसे मुकाबला करवाऊंगा लेकिन सर जी आप जरा सोच समझ कर अरे छोड़ बेटा इसमें सोचने समझने का क्या है चलो आप आओ मेरे साथ चलो बेटा चलो गली वाले से होशियार हो जाओ मुकाबला फिर होगा गली वाले मुकाबला बाद में होगा पहले कारखाने की चाबी निकाल चाबी चाबी अरे जल्दी निकाल बक बक क्या करता मगर ये याद रखो कि आपके तमाम कारखानों की चाबियां मेरी जेब में होगी तुम्हारे तुम्हारा मुकाबला मंजूर है मंजूर है मगर सेठ मेरी भी एक शर्त है वो क्या अगर आपकी बार में मुकाबला जीत गया तो शबाब को मेरी लौंडी बनकर रहना होगा लौंडी क्या है आप चुप रहिए अब्बा जान मुझे मंजूर है शबाब मैं क्या कर रही हूँ हाँ आपा लेकिन अगर आपकी बार मैं जीत गई तो इनको मेरी ड्यूटी साफ करनी पड़ेगी बिगड़िए नहीं फितना सा है ठीक ही तो है अगला मुकाबला बारादरी में होगा मगर हाँ साहब हमारी भी एक शर्त मानना पड़ेगी फितना साहब खामोश माफ करना दोनों कव्वालियों की एक पहर होगी हमें मंजूर है हमें भी मंजूर है बस ठीक है हाँ ठीक है चलिए अब्बा जान क्या चलो बेटा अरे तुम लोग सोच क्या रहे हो हमने तो कारखाना हार कर भी हिम्मत नहीं हारी बड़े मियां तुमने इतने ही में दिल छोटा कर लिया अभी तो दौलत खान धौस से मुकाबला लड़ना है जब चांद खान बाजी ले गया तो दौलत खान धौस से क्या मुकाबला लड़ेंगे काश आज अमान साहब होते फिर किस बात का रोना था अब आहे भरने से काम नहीं चलेगा अब्बा जान अगला मुकाबला जीतने की फिक्र कीजिए अब की शर्त मामूली नहीं किसी बड़े शायर का सहारा लेना चाहिए वो तो ठीक है मगर ये जरूरी नहीं कि हर बड़ा शायर कव्वाली लिखने का तजर्बा रखता हो एक सूरत है बड़े मियां फितना साहब से कलाम क्यों ना हासिल किया जाए हाँ बिल्कुल ठीक है उनके कलाम में भी अमान साहब के कलाम की झलक पाई जाती है मगर हमारे दुश्मन का शायर हमें अपना कलाम देगा क्यों कर शायर किसी का भी दुश्मन नहीं होता और अगर हो भी तो दुश्मन को दोस्त बनाने वाला जादू हमारे जेब में है बिल्कुल ठीक
आइए अभी चलिए 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 साहब चलिए चलिए। बड़ी जल्दबाज हो तुम, गुस्सा आता है मुझे तुम पर। क्यों? जोश में आके कैसे शर्त लगा बैठी? मैंने जोश में नहीं होश में शर्त लगाई। हम्म, सोच समझ कर। अगर हम हार गए तो भी मेरी जीत है। क्या कहा? मेरा मतलब है मुकाबला किसी अनाड़ी से नहीं। कुछ भी कहो आपा, जालिम की आवाज में जादू है, एक बार तो दिल खींच लेता। मैंने कहा आधा वर्ष है इतना साहब। हाँ आधा वर्ष है इतना साहब। अच्छी हूँ इज्जत की, पत्ती तो ना उड़ाइए बदला। मेरा मतलब है कद जितना छोटा है उतना ही दिल बड़ा है। तखल्लुस बाबूलाल जरदा रखते हैं माशाल्लाह, न जीते हैं न मरते हैं। वाह वाह, फिर दिल कदम बढ़ते हुए। बहुत खूब बहुत खूब, क्या कह दिया जरदा साहब। आधावर से कितना साहब? आधावर से वल्ला, ये शोहरत भी एक अजीब मुसीबत है। लोगों के सलामों का जवाब देते देते ये जुबान और हाथ दोनों थक जाते हैं। साहब मुबारक साहब, आप है, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा। बड़ा ही अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मिलिए जरा तन्हाई में। जी तन्हाई में? जी हाँ तन्हाई। तशीव लाइए। बात ये मैंने कहा फितना साहब, जय हुजूर ये पान तुम्हें गलत करे। किस तमाश के आदमी है वल्ला यहाँ के। पर बात यह है कि मैं इसलिए हाजिर हुआ था फितना साहब कि वैसे तो आप जान भर के खास शायर। अरे फितना साहब, ये पान की जान तो भूल ही गए आप। माफ कीजिए इमाम। अरे अरे बड़ों पे हाथ उठाता मैं चोटी के बदतमीज औलाद। आपको बड़ी जहमत है, बड़ा टकराव हो रहा है। वो जान हार के वैसे तो आप खास शायद हैं, लेकिन मैंने कहा फितना साहब वो पैसे माफ कीजिएगा दाम के मुताबिक ऑफर मार रहे होंगे। अजी वो किस्सा ये है कि दरअसल बटुआ में आज जरा घर भूल आया। बटुआ? जी हाँ, अगर कल कुछ हर्ज ना हो तो। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। साहब एक पान दीजिएगा। हाँ जी लीजिए। मदद दीजिए बगैर सर देखे। हाँ तो फिर लॉन्ग चलाइए। एक साथ में सिगरेट भी दे देना। सिगरेट भी मत को नहीं पड़ती, मगर मेरी मजबूरी मुझे यहाँ तक खींच लाई है। देखिए मुबारक साहब, मेरी पूरी पूरी वल्ला हमदर्दियाँ आपके साथ है। जो कुछ कहना हो कह डालिए ना। मेरे बुढ़ापे और मेरी बच्चियों का ख्याल कीजिए। ओहो क्या फरमा रहे हैं आप मुबारक साहब। बिकना साहब, अगर जान खां से इस मुकाबले में भी हार गए तो हम कहीं के ना रहेंगे। हमारे पास अगर कमी है तो सिर्फ नए और जोरदार कलाम की। अगर आप अपनी दो एक खास चीजें इनायत कर दें तो मैं जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगा। सिर्फ दुआएं वल्ला? आपके हुनर की तो कीमत दे नहीं सकता। हाँ बस ये 100 रुपए मुझ गरीब की तरफ से नजर नियाज समझिए। देखिए मुबारक साहब, चांद खां मेरा बहुत गहरा और अजीज दोस्त है, माफ कीजिएगा 100 रुपए के लिए सिर्फ मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। फितना साहब जी, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। अजी वो तो सही है मुबारक साहब, मगर माफ कीजिएगा। अच्छा खैर, ये 200 लीजिए, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं। खैर कोई बात नहीं, शायर किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। तो फिर लीजिए बिस्मिल्लाह करके इस बटवे में चुपके से ये रुपए डाल दीजिए। वल्ला मैं हाथ से छूंगा नहीं। क्यों? बस ये एक शायराना नुक्ता है, जरा समझने की बात है। जरा बेहतर लगे। और लगे हाथों लाल डोरी भी खींच डालिए। बड़े मियां, वो चांद खां का खास आदमी आ गया, बस अब आप यहाँ से जाइए, मैं आपको कलाम पहुँचा दूंगा। अजी लेकिन देखिए कुछ नहीं, आपको हजार मरतबा समझाया कि आपको मेरा कलाम नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, आप यहाँ से जाइए। ओ नूर साहब, अदावत है, तशरीफ़ है, आइए
पान चबा डाले। जरूर जरूर। और सुनिए, एक शेर अर्ज किया है, कहने को तो फितना हूँ मगर मैं हूँ कयामत, अजी इस कलम के उस्तरे से बना देता हूँ बड़े बड़ों की हजामत। आइए तशरीफ लाइए दर्दा साहब, एक दो अदद नहायत उमदा गलौरियाँ मेरे हिसाब में लगा डालिए। हिसाब में? जी बदला। पान रोज आकर उधार खाते हो और उस पर तुर्रा ये के बटुआ छुपाते हो। आहा, क्या कहा बटुए के लिए? हो जाए फितना। माफ कीजिएगा जरदा साहब, मुन्ना वादा तो कल का है। जरूर 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 जरूर। चार अगर छोड़, चार अगर छोड़, तेरे बस का नहीं रोग मेरा। भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बस का नहीं रोग मेरा, रोग मेरा। उस्ताद फिर बदी अर्ज किया है, शेर निकालते हैं आप और लोग उछालते हैं नाम मेरा। ओह उस्ताद, कभी तो मिश्रा वजन से कहा करो। अरे मुन्ना, मिश्रे के वजन को तो मारो गोली, इस बटुए के वजन को तोलो। इस मुकाबले के लिए ऐसा जलता हुआ कलाम कहो कि बस सुनने वाले कबाब हो जाएं, चांद खान साहब शौहरे शबाब हो जाएं, और उस्ताद फितना साहब शारे लाजवाब। मुन्ना कैसा मारा काफिये पे काफिया, मगर हाँ गजलें दो चाहिए, एक नहला तो दूसरा दहला। माफ कीजिए फितना साहब जी, अपना दिमाग आजकल हाजिर नहीं है, बस एक ही को गनीमत समझिए, दूसरी अगर लिख सका तो मुकाबले के वक्त ही दे दूंगा। मगर अमान साहब ये तो दो हैं। ये चीज एक ही है, एक रफ है दूसरी फेयर। आपका मतलब ये है कि एक रफ है और एक साफ की हुई जी है। जी हाँ समझ गया, तो हाँ मना ये दोनों ही चलेंगे। दोनों ही चलेंगे? हाँ हाँ, एक वहां और एक वहां। अच्छा शुक्रिया। मुझे यकीन, ये क्या बात, माफ कीजिएगा हजरत, कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि आप जरूर लाए। जी हाँ जी हाँ। अगर इस कलाम से मुकाबला ना जीते बड़े मियां, तो उस्ताद फितना पर लानत भेज देंगे। अरे बड़ी नवाजिश है आपकी, तो बड़ा करम है आपका। अच्छा तलवार तुमसे, ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे। हाँ ये बाजू मेरे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, और पहचानता हूँ खूब, पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं, पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं,
पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं भाई जाने न दूंगा हाँ जाने न दूंगा हाथ से दिल और जिगर को मैं जाने न दूंगा हाथ हाथ से जाने न दूंगा हाथ हाथ से जाने न दूंगा हाथ से दिल और जिगर को मैं से छोड़ना ही बेहतर है ये भरम तोड़ना
आओगे। अरे भाई कब आओगे, जब आओगे तब आओगे, कब आओगे जब आओगे तब आओगे। मर जाएंगे घर यूं ही गजब ढाओगे, थम थम के बरसते हैं शराबी बादल। तुम भी ना आओगे तो कब आओगे भाई, जी चाहता है जी। नहीं नहीं बड़े मियां, ऐसी कोई बात नहीं। सच अब्बा जान, अगर अमान साहब ना होते तो शबाब, तुझे तो अमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कहाँ ठहरे हैं आप? अरे कहीं भी ठहरे हो, अब तो हमारे साथ ही रहेंगे। माफ कीजिएगा, मैं जरा उस गरीब वाले के बच्चे से कारखाने की चाबियां लेकर अभी आता हूँ। सुनिए जी, चांद से कहिएगा जरा तैयार रहे। जरूर जरूर। शुक्रिया। शुक्रिया। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तो एक दर्जन जूते और पड़े हैं साफ करने को। जरूर जरूर। अरे अपनी किस्मत में तो पहले ही से तुम्हारे जूते साफ करने लिखे थे, मुकाबला जीत भी लेते तो भी साफ करने पड़ते। दुरूर, दुरूर। अरे ये क्या कर रहे हो चांद जी? वो शबाब। अरे भाई शबाब में तो अभी बचपना है, मगर मैं इतना कमजोर नहीं। मुकाबले में हार गए तो क्या हुआ, मगर हो तो हुनरमंद। छोड़ो ये, उठो बेटा। बरखुरदार, मैं तो चाहता हूँ कि दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए और दोस्ती रिश्तेदारी में। जरूर जरूर। शबाब और चांद की जोड़ी कैसी रहेगी बड़ी मियाँ? जोड़ी तो ठीक है, मगर जरा शमा से सलाह कर लूँ। शबाब, बेटा शबाब। बेटा जरा शमा को कुछ भेजो। अच्छा। क्यों नूर मियाँ, ठीक है ना? जरूर जरूर। आपा, क्या है? तुम्हें अब्बा जान ने बुलाया है। क्यों? एक काम है। तू चल, मैं अभी आती। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? अगर आप कल वक्त पर ना पहुंचते तो कल का मुकाबला जीतना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। शर्मिंदा क्यों करती हो शमा? हम कोई एक दूसरे के लिए गैर थोड़े ही। जहे नसीब, मगर आपने हमें इतने दिन भुलाए क्यों रखा? इतने दिनों तो मैं खुद अपने आप को भुला रहा। अमन साहब कहीं जाने रहे, उधर बहुत जरूरी काम है। अरे ऐसी क्या बात है, मैं नहीं बता सकती, पूछ लो अब्बा जान से। ओफो, चले जाओ। अच्छा मैं अभी आई। रहमत मियाँ, तुम ठीक कहते हो, मगर फिर भी जरा सोच। जी अब्बा जान। बेटा, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुमसे एक मशवरा लेना है। फरमाइए।
चांद खां और शबाब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कैसी रहेगी जोड़ी? बहुत अच्छी। अबाजान, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। मगर बेटा, तुम जरा शबाब से पूछ लो। शबाब से क्या पूछना, आप बात पक्की कर लीजिए। क्यों भाई नूर? नूर जरूर। बस अभी से दौलत खां भोंस के मुकाबले की तैयारी की जाए। आप तसल्ली रखिए अबाजान, अब मुझ में भी एक नई जिंदगी आ गई है। अल्लाह ने चाहा तो हम ये मुकाबला जरूर जीतेंगे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बेटा शबाब, जी अब्बा जान। मियां चांखा, आप क्यों चले गए? आप भी तशरीफ ले आइए। बेटा शमा। जी अब्बा जान। बस अब अजमेर शरीफ चलने की तैयारी करो। जरूर जरूर। हाँ अब्बा जान, और वहाँ डट के मुकाबला होगा। बिल्कुल ठीक। रथिया, कहाँ है तुम्हारे अब्बा? वो आ गए। आपने मुझे याद किया था? हाँ। ए रजिया, तुम्हें आपा बुला रहे हैं, उनके पास जाओ। जी अब्बा जान। लड़की बीमार है और शादी की तारीख नजदीक आ रही है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शादी की बात आने दीजिए, बेटी की फिक्र कीजिए। मुझे तो ये लोग डॉक्टर के बस का नहीं लगता। मैं तो ये कहती हूँ कि ना हम अजमेर शरीफ चले। जिस ख्वाजा की दरगाह से हमने इसे पाया था, वहीं चलकर इसकी सलामती की दुआ मांगे। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो, अपनी बीमार लड़की को यहाँ कब तक रखेंगे? तुम चलने की तैयारी करो और मैं जैसा आपसे माफी मांग लूँ। बहुत खूब। हुजूर, मुबारक अली कव्वाल सलाम के लिए हाजिर हुआ है। आने दो हजरत, अभी आपको वक्त लगेगा चाल चलने में, जब तक मैं इससे निबट लूं। मुझे वक्त लगने लगे आप जरूर निबट लीजिए। शुक्रिया। आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। आदाब। किसी रहो बेटी, कहो मियां मुबारक अली कैसे हो? मेहरबानी है हुजूर की, 3 बरस के बाद आने का इत्तेफाक हुआ, सोचा फिर मौका मिले न मिले हाजिरी दे आए। बहुत खूब। जाओ बेटी, तुम ऊपर जाओ, खान साहब की बच्ची भी वहां है। जी अच्छा। तशरीफ रखो मियां। जरा नवाजी है आपकी। हुजूर, अब की बार आपकी बच्चियां दौलत खान धौस के मुकाबले में उतर रही हैं, और ये कव्वाली रेडियो पर भी सुनी जाएगी। जरूर सुनिएगा। हाँ हाँ, हम जरूर सुनेंगे। जहे नसीब। और हुजूर, अब की बार हम लोगों के साथ एक जबरदस्त शायर भी है। तुम्हें साथ क्यों नहीं लेते आए? खान बहादुर साहब को उनकी शायरी सुनवाते। कोने मारी शायरी को। ये गाने का हुनर भी खुदा की देन है, अगर बुरा ना मानो तो कुछ सुनाओ, मेरी शबनम की तबीयत बहल जाएगी। जहे नसीब, अम्मी अब मेरी तबीयत ठीक है, इन्हीं को तकलीफ दे दी। क्या तकलीफ है आपको? ये तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता, तो हम क्या बताएं? रजिया, तो बीच में मत बोला। चल शरीफ कहीं। बाज बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका डॉक्टरों को भी पता नहीं चलता। हाँ शमापा भी पिछले दिनों कुछ ऐसे ही बीमार थी, हुई हुई से रहती थी, फिर तो अपने आप ठीक हो गई। चुप शरीफ रहेंगी, ये भी ठीक हो जाएंगी। मैं आपके लिए दरगाह शरीफ से तावीज ले आऊंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कब से तबीयत में आसाज है? क्या बताऊं? मैं समझ गई, घबराइए नहीं, ताबीज से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप कितनी अच्छी। अच्छा आपा, एक बात पूछूं? पूछो। जब से अमान साहब हमसे आकर मिले हैं, कुछ खोए खोए से क्यों रहते हैं? उन्हीं से पूछ लूं ना। पूछा तो था, क्या कहा उन्होंने? बात कुछ गोल सी कर गए, शायद मुझे न बताना चाहते हो। तुम्हें तो मालूम होगा क्या बात है। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मेरी कसम आपा, बताओ ना। ऐसे मैं भी कुछ कुछ समझ गई हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। आग लगे तेरे मुंह को, जो कुछ भी कह लो, लेकिन मैं सुन के रहूंगी। देख शबाब, ज्यादा तंग मत कर, मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं मालूम। ओहो, शबनम वाली बीमारी कैसे जल्दी जान गई थी, तावीज लाने के लिए तैयार हुई। मैं कहती हूँ अमन साहब की बीमारी भी वही है, उनके लिए भी एक तावीज ले आओ ना। शरीर कहीं की। मैं पूछती हूँ अमन साहब से जाकर। शबाब,
तुझे मेरी जान की कसम, देख मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनने की। ये अंगूठी शबाब की बच्ची। अमर साहब जरूर जरूर। अमर साहब क्या है शबाब? आपका दरगाह में किसी के लिए लो, आपका दरगाह में किसी के लिए तावीज लेने जा रही है, अगर आपकी भी कोई मुराद हो तो कहिए। आप क्या मुराद होगी, सब मुरादें पूरी कर दी मुकद्दर ने। कभी गलत नहीं होता, मगर शर्त यह है कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। उधर तो कुछ इधर से भी ज्यादा है। फिर तो शमा परवाने का मेल होकर ही रहेगा। लाइए उनकी तस्वीर, मैं ये दूसरा तावीज भी बांध दूं। ये तावीज आप मुझे दे दीजिए, मैं बांध दूंगी। क्यों डरती हैं कि मेरी उन्हें नजर ना लग जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर लाइए तस्वीर, मैं भी एक नजर उस खुश नसीब को देख लूं। लो जी भर के देखो। कैसे हैं? बहुत अच्छे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
देर कर दी तुमने। नहीं, देर नहीं हुई, रास्ता भूल गई थी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, क्यों, क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें? जी, कुछ भी तो नहीं। क्षमा, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ अमान साहब। आज का मुकाबला तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देगा। इनकलाब तो आ भी चुका है। फिर तो आज की जीत तुम्हारे कदमों पर है। जी, ये कुछ ऐसी ही बाजी है, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार नहीं। ठीक कहती हो शमा, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार नहीं। लखनऊ से आफ्ताब का तार है, वो आज रात की गाड़ी से शेखर के साथ आ रहा है। अच्छा, शबनम को तो कह दूं जाके। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने हम भी आपके होने वाले दामाद को देख लेंगे। हाँ वो शबनम। जी अम्मी। शबनम उठकर कपड़े बदल लो, लखनऊ से तार आया है, आफ्ताब आ रहा है। अम्मी जान, मुझे हाथ पर छोड़ी। शबनम, मैं माँ होकर तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, अपनी तबीयत संभालने की कोशिश कर, अमान का ख्याल दिल से निकाल दे, भूल जाओ उसे। काशी मुमकिन ना रो मेरी बच्ची, अगर तेरे अब्बा जान आ गए तो खैर नहीं, जब मेरी जान ही नहीं रहेगी तो अब्बा जान किस पर बिकेंगे। शबनम। कहता है अम्मी जान, आपके हाथ तो मेरी डोली नहीं, मेरा जनाजा जाएगा। ऐसा ना कर बेटी, अल्लाह ऐसा ना करे, अल्लाह ऐसे ही कर। नहीं मेरी बच्ची, चल मेरे साथ, चल। क्या बात बेटी, रो क्यों रही हो? नहीं तो बाजा, ये तो हुस्न के आंसू है, मैं अपनी जी अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। इसमें क्या शक है बेटा, अमान साहब ने जो हमारा साथ दिया है। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मददगार है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ आपा को? कुछ नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। शबाब जी, जल्दी करो बेटा। अच्छा, क्या हुआ आपा? आज के मुकाबले में तो बड़ी हिम्मत से काम लेना चाहिए, तुम अगर दिल तोड़ दोगी तो क्या होगा? ठहरो, मैं तुम्हें अब भी दुल्हन की तरह सजाए देती हूँ। मेरी अच्छी आपा। कारवां की तलाश है ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है ना तो कारवां ना तो कारवां कारवां की तलाश है ना तो ना तो ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है।
अब ना हम सफर है ना तो हम सफर की हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस
के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मजहब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, जिस आदा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। इश्क ना पूछे भाई, इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, 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 मदन धरि पमा, मदन निस निसर निस निस धनिस तन धनी दपा दपा मम पा पसा, लाज राख मोरे कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के लोक लाज को तज के, बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला, और फिर अर्ज करी के फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, काक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह है के बंदे को खुदा करता है इश्क।
जजाक अल्लाह, सलामत रहो बेटा। मैं मुकाबला हार कर भी तुमको दाद देता हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो है, आज हमने बाजी जीत ली है, हम मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें बामुराद करे बेटा, तुमने हम गरीबों की लाज रख ली। लेकिन श्यामा, ये तुम्हें क्या हो गया? आज का दिन तो हमारे लिए ईद का दिन है ना? हाँ, ईद का दिन। आ, अमान शबनम, सही नसीब, तशरीफ लाइए। क्या हुआ आपको? तशरीफ लाइए। शेखर, शबनम के अब्बा के हुक्म की तामील बहुत हो चुकी, अब मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। आज मैं अपनी बेटी की खुशी किसी को नहीं छीनने दूंगी। गुस्ताखी माफ बेगम साहबा, शबनम बहन मेरे लिए कम अजीज नहीं, अमान तो मेरा जिगरी दोस्त है, लेकिन मैं फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आप मुझे मत रोकिए। नहीं, रास्ते हट जाओ, अमान को खुदा ही बचा सकता है। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहिए। बेगम, मैं आपके पास आती हूँ, आपसे शबनम की खुशियों की भीख मांगती है। बेगम, चाचा जान, चाचा जान, आफ्ताब, उठो बेगम, शबनम किसकी अमानत है? वो आ गया। लेकिन चाचा जान, शबनम मेरी नहीं, अमान की अमानत है, जिसे आप मुझे छीन कर दे रहे हैं। कानून की निगाह में भले ये कोई गुनाह ना हो, लेकिन अल्लाह ताला के सामने हम दोनों के सर नीचे हो जाएंगे। आफ्ताब, आफ्ताब। हाँ चाचा जान, अमान मेरा दोस्त है और शबनम के लिए हर तरह से काबिल है। आप मुझे अपना सिरा उसके सर मानने की इजाजत दे दीजिए। आस्था, तुमने ये कह के मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं किन अल्फाजों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। ऐसा मत कहिए चाचा जान, खुदा ताला को यही मंजूर था। अमान, अब्बा जान ने हमें माफ कर दिया। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात।